हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पानीपत पहुंचे। रोहतक में होने वाली पदाधिकारियों की मीटिंग का न्योता देने के लिए वे पानीपत पहुंचे थे। वहीं एग्जिट पोल पर आए नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि नतीजे हमारे पक्ष में रहेंगे, एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। SYL मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह तो हम पहले से ही उठाते चले आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारा पहले ही अंदाजा था कि हम पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में उन्होंने कहा वे जीत के दावे तो कर रहे हैं मगर 23 तारीख को उन्हें पता चल जाएगा कि वे जीतेंगे कि हारेंगे। पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, जिस प्रकार के आंकलन हमने स्वयं पहले बताए थे उसी प्रकार का अच्छी प्रसन्नता की बात है कि जो एग्जिट पोल आया है, जो हमारा आंकलन था उसी हिसाब से एग्जिट पोल ने बताया, इस बात का संतोष है। और 10 की 10 सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जैसे बता रहे हैं, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 23 तारीख को जो वास्तविक रिजल्ट आएगा वो भी 10 सीटों के हिसाब से पूरा आएगा। और केंद्र सरकार में हमारा जो योगदान है, हमने अपना 100% योगदान किया, इसका संतोष है। सर, विधानसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा आने वाले ये परिणाम जो आ रहे हैं? हर एक पिछले चुनाव का अगले चुनाव पर फर्क पड़ता ही है। अगर जींद का चुनाव हुआ उसका इस पर फर्क पड़ा है, उससे पहले 5 मेयर हमारे डायरेक्ट चुनाव हुए, पानीपत का मेयर का हमारा डायरेक्ट चुनाव हुआ, इतनी अच्छी जीत हुई। तो ये सारे चुनाव एक दूसरे चुनाव के आगे माहौल बनाते हैं, तो आज का माहौल का निश्चित रूप से हरियाणा को SYL का पानी जल्दी मिलेगा उम्मीद करें लोग। अरे 20 साल से नहीं मिला, हमने कम से कम सुप्रीम कोर्ट में एक इतना बड़ा काम करके निर्णय तो करा दिया, निर्णय कराया तो वो भी देखेंगे, लेकिन अब जल्दी उम्मीद करें। उसके बावजूद भी हमने जितने प्रबंधन किए हैं पानी के, आखिरी टेल तक पानी पहुँचाया है, हमारे पास अवेलेबल पानी उसका प्रबंधन करना। फिर साथ में हमने उत्तराखंड से जो हमारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े थे कितने 10 सालों के, चाहे लखवार का था, चाहे वो रेणुका डैम है, चाहे किसाऊ का है, वो हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का पानी बंद किया है वो हम ला रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया के पानी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सर, पश्चिमी बंगाल के अंदर जिस तरीके का वहाँ पे घटनाएं देखने को मिली, लेकिन वहाँ के जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, बीजेपी काफी बड़ा हासिल कर रही है। तो चौंकाने वाले क्यों? हमने तो पहले ही बताया था 20 के आसपास सीटें आएंगी और 20 से ऊपर सीटें आ रही हैं, तो हमारा जो आंकलन अब पहले का था वही आंकलन अभी भी है। रोहतक में बैठक हुई, किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? तो आखिर हमारे संगठनात्मक काम जो होते हैं उनको लगातार हम करते रहते हैं, और एक चुनाव हुआ है, अगले चुनाव की तैयारी के नाते कुछ तो हमको करना ही है। उनसे बैठक करेंगे, फिर आप लोगों के साथ बैठक करेंगे, आप लोग सुझाव देंगे, उसके साथ भी काम। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं 5 सीटें आएंगी हमारी, क्या कहना सर? चलिए, 23 तारीख को बाल जैसे सामने आते हैं ना, नाई काट के डालता है उसके सामने। सर, एक चीज और, करनाल की सीट जो है, ये आकलन आ रहा है कि करनाल की सीट सबसे ज्यादा बहुमत से जीती जा रही है, इस पर आपके मुंह में घी चक्कर। सर, किस उद्देश्य को लेके आए?